इस वक्त की एक सबसे बड़ी खबर, अफगान में मानवीय आपदा का सबसे दुखद चेहरा आया सामने। इस वक्त की बड़ी खबर, यूएस ग्लोब मास्टर से सैकड़ों लोगों को अफगान से खाली कराया गया। अमेरिकी जहाज के अंदर की तस्वीर देखकर परेशान हो गए वर्ल्ड लीडर्स। ये तस्वीरें देखें, दुखद है ये। अफगान से पैदा हो सकता है दुनिया का सबसे बड़ा शरणार्थी संकट। फुल फ्रेम पे जरा शॉट दिखाएं, ये देखें आप, ये यूएस C-17 ग्लोब मास्टर है जिसके अंदर लोगों को ले जाया जा रहा था। ये बहुत दुखद है। मैं चाहूंगा ब्रेकिंग और शॉट्स के साथ सीधे रोहित के पास। रोहित, ये हार्ट रेंचिंग है, शॉकिंग है, लेकिन ये सीधे अमेरिका नहीं लाए जा रहे हैं। मुझे याद है शशि थरूर साहब ने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, लाइक कैटल हर्ड्स। ये तो उससे भी बुरा हाल है। या निशांत, तालिबान से बचाने के लिए इसकी ऑब्वियसली दिस इज ओवर कैपेसिटी, कुछ जो ऑफिशियल नंबर आते शायद 800 के आसपास ये लोग जो हैं इनको इससे इवैक्यूएट किया गया, इन्हें ओमान ले जाया जा रहा है। इट इज टेरिबल। आई मीन जो रिपोर्टर है डिफेंस मन के लिए काम करती है वो मेरी दोस्त है। आई स्पोक टू हर अबाउट दिस स्टोरी और उन्होंने मुझे वही कहा कि यू नो दिस इज दीज आर द सीन्स वी आर अलाउड टू शो और ये यू नो दिस फेल थ्रू द क्रैक्स। बहुत ज्यादा कंसर्निंग सिचुएशन है वहां पे। कल सेक्रेटरी ब्लिंकन ने चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर से बात की, रशियन फॉरेन मिनिस्टर से बात की, जयशंकर साहब अमेरिका आए हुए उनसे बात की, पाकिस्तान के शाह महमूद कुरैशी से भी उन्होंने बात की। तो अमेरिका अगेन यू नो अमेरिका इज ओनली ट्राइंग टू लुक आउट फॉर जो बचे खचे इंटरेस्ट है विच इज अमेरिकन सिटीजंस और थोड़े बहुत यू नो अफगान नेशनल्स। बट थिंक अबाउट द पीपल जो वहां रह जाएंगे, जिनको अमेरिका इवैक्यूएट नहीं कर पाएगा और शायद करना भी नहीं चाहता एट सर्टेन पॉइंट, तो उनके लिए बहुत बड़ा ये जो है यू नो दिस इज नॉट गोना गो डाउन वेल फॉर एनीवन। बहुत दुखद है, बहुत दुखद है रोहित। फिक्र आपकी सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।